Hello everyone. So today in this session we'll be discussing a very interesting topic and probably the most useful one if you're preparing or you're still thinking to prepare for UGC NET examination. So जब हम सोचते हैं कि हमको ये एग्जामिनेशन देना है या कोई भी एग्जाम देना है, हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है, वो ये है कि इसकी तैयारी कब से शुरू करें। अगर हम अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, वी आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो क्या अभी से तैयारी शुरू कर दें या पीजी के बाद करें, या फिर अगर जून में एग्जाम है तो क्या मैं जनवरी से इसकी तैयारी शुरू करूं? इन लाइक फ्यू मंथ्स कैन आई प्रिपेयर? सो इन दिस क्लास आई विल बी टेलिंग यू द एंटायर डिटेल्स अबाउट दिस एंड इट विल बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। सो माय सेल्फ तोशिबा शुक्ला, योर पीपल इन फैकल्टी एट बायजूस एग्जाम प्रेप। My classes on YouTube are on Monday, Wednesday, and alternate Fridays. And I take classes on Baiju's app as well on Tuesdays and Thursdays at 5:30 p.m. So let's see when to prepare for UGC NET. And now this, you know, what to prepare, how to prepare, when to prepare. When is an equally important question. तो कब करना चाहिए? उससे पहले मैं आपको ये प्रिपरेशन कैसी होती है वो बताऊंगी, बिकॉज अगर हम तैयारी कर रहे हैं सो इस तैयारी को हमको कैसे करना है उसके लिए हमको पता होना चाहिए इस तैयारी में क्या क्या करना है। सो ये पूरी जो तैयारी होती है इसमें तीन स्टेजेस हैं, स्टेज वन, स्टेज टू एंड स्टेज थ्री। अब तीन स्टेजेस हैं तो इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि ये बहुत कम टाइम में तो नहीं होगा, आपको इसके लिए गुड नंबर ऑफ मंथ्स या एटलीस्ट 1 ईयर चाहिए ही चाहिए होगा। सो पहला अगर हम स्टेज देखें इज योर डायरेक्शन, आपके पास एक सही डायरेक्शन होना चाहिए। दूसरा स्टेज है हार्डवर्क, तीसरा है कैपिटलाइजेशन, मतलब फाइनली जो भी किया है उसका हमको बेनिफिट कैसे लेना है। तो राइट डायरेक्शन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिमांड क्या है इस एग्जामिनेशन की, ये आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। इसके लिए आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, वेटेज कितना है किस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारी फिर आती है असल मेहनत। हमने एग्जाम को जान लिया, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चंस हैं, फिर हमको देखना है कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, हमको क्या वर्कबुक्स ढूंढनी पड़ेंगी, क्या बुक्स जुगाड़नी पड़ेंगी, व्हाट शुड बी द पीवाईक्यूज वी शुड बी प्रैक्टिसिंग, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट, एवरीथिंग। एंड देन फाइनल कम्स द लास्ट स्टेज बिफोर एग्जामिनेशन इज योर रिविजन एंड योर मॉक टेस्ट। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस एंड इन ईच स्टेज यू विल रिक्वायर गुड नंबर ऑफ मंथ्स, राइट। पहला स्टेज तो आपको शुरुआत में हो जाएगा, लाइक इफ यू हैव डिसाइडेड टू गिव योर डिसम्बर अटेम्प्ट एंड करंटली इट्स द मंथ ऑफ जून। सो सबसे पहले आपको देखना है एग्जाम का पैटर्न एंड मोड क्या है, सिलेबस क्या है। पेपर वन में 10 यूनिट्स, अगेन व्हाट आर दे, पेपर टू आपका खुद का यूनिट है उसके 10 यूनिट्स। सो फर्स्ट ट्राई टू सी वॉट इज द सिलेबस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली what is the current trend of the examination, because the exam has changed over the number of years, ये evolve होता जा रहा है, जो प्रश्न 2018 में आ रहे थे वो अब नहीं आते हैं, तो इसको समझने की जरूरत है कि अभी मुझे किस टॉपिक में कैसी तैयारी करनी है। अगर आपने एक बार स्टेज वन क्रॉस कर लिया, एंड ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो इट्स लाइक द मोस्ट पीपल डू नॉट पे मच अटेंशन हियर, इररिलेवेंट सा है, बट यही है जो आप सुनिश्चित करेगा आपकी तैयारी जीत की, कि आप जो पढ़ रहे हो आप सिर्फ हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो। देन कम्स द सेकेंड स्टेज वेयर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है। और कोई भी एग्जामिनेशन एंड इवन व्हेन वी से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, इट कैन नॉट बी गिवन सिर्फ एक बुक पढ़कर, नो, द कॉन्सेप्ट्स आर मल्टीफेसेटेड, दे कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस, फील्ड्स ऑफ लाइफ। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आपको कैसे तैयार करना है, इन कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या क्या आपको कॉन्सेप्ट्स में देखना है, व्हाट आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डू, एंड ईच एंड एवरी थिंग रिक्वायर्स इन डेप्थ क्लैरिटी। अगर मैं एनवायरमेंट पढ़ रही हूँ तो एनवायरमेंट में मुझे एनर्जी से रिलेटेड सारे डिटेल इश्यूज पता होने चाहिए। अगर मैं टीचिंग रिसर्च पढ़ रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। फिर मैं प्रैक्टिस करूंगी अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, एंड ऑफ कोर्स फाइनली आई विल गिव टेस्ट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन राइट नाउ इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ही हमको सबसे ज्यादा समय लगता है। तभी अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द राइट टाइम इज राइट व्हेन यू आर इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। और इफ नॉट, अगर आपने पीजी के बाद सोचा है तो एटलीस्ट 1 ईयर, 1 ईयर to 8 months यू विल रिक्वायर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट्स नॉट एन एग्जामिनेशन जो आप
एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में पढ़ के क्लियर कर सकते हो. नो, यू विल रिक्वायर बोथ योर पेपर वन एंड पेपर टू टू बी परफेक्ट टू गेट दैट JRF इन फर्स्ट अटेम्प्ट. सो दिस पार्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड लॉट नंबर ऑफ मंथ्स. सो मेक श्योर एटलीस्ट आपके पास अच्छे खासे 6 महीने, 4 महीने या 5 महीने हो. गुड प्रिपरेशन रिक्वायर्स 6 मंथ्स. इफ यू आर स्टिल इन हरी देन आई वुड सजेस्ट 5 मंथ्स में भी कोशिश कर सकते हो. सो हेयर यू हैव टू नो कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ने हैं. स्टैंडर्ड बुक्स हैं, देन यू कैन हैव ऑफकोर्स लाइव क्लासेस एंड क्लास नोट्स दैट वी प्रोवाइडेड बाई जूस. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए कि हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, पर स्मार्ट वर्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. मेहनत कर रहे हो, पर ये मेहनत कैसे करनी है, किस दिशा में करनी है, इस मेहनत से हमको कितना फायदा मिलने वाला है, वो इंपॉर्टेंट है. पता चला जो एग्जाम में पूछते ही नहीं है, हम वो पढ़ते जा रहे हैं. इसीलिए एक डायरेक्टेड स्ट्रैटेजी की जरूरत है. इसीलिए आपको पता होना चाहिए इन 4-5 महीने में या 6 महीने में आपको सोर्सेस पता करने हैं, राइट. एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट बाय योरसेल्फ, इफ यू हैव ज्वाइंड अ कोर्स, इफ यू हैव ज्वाइंड एनी कोर्स, आपको वो सारी डायरेक्शंस पता चल जाएंगे. कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है, किसमें क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन फाइनली द थर्ड स्टेज, जिसमें आपका रिविजन और मॉक टेस्ट आता है. सो सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी एक ऐसा स्टेज है जितना फर्स्ट स्टेज इंपॉर्टेंट था, एंड लोग इसको भी इग्नोर कर देते हैं. सो जितना भी पढ़ा है उसको हमें कम से कम 2 बार रिवाइज करना है, ट्रस्ट मी, बिकॉज वन रीडिंग वन टाइम स्टडिंग इज नॉट सफिशियंट. यू विल टेंड टू फॉरगेट थिंग्स. दूसरी बार, तीसरी बार जब पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तब वो चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी. एंड देन मॉक टेस्ट, मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी प्रिपरेशन. सो ये सारी चीजें करने में, मॉक टेस्ट तक जब तक आप आओगे, तब तक आपको समझ में आएगा, हाँ अब मैंने कोर्स देख लिया है, सिलेबस देख लिया है, बेसिक्स कोर कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, PYQs लगा लिए हैं. नाउ दिस इज माई अल्टीमेट स्टेज ऑफ सॉल्विंग मॉक टेस्ट. नाउ आई विल इवैल्यूएट हाउ वेल आई हैव प्रिपेयर्ड. सो इतनी सारी चीजें मैंने बताई हैं. क्या आपको लगता है कि 2 महीने में आपका एग्जाम होएगा, 3 महीने में? नहीं. आई वुड सजेस्ट द राइट टाइम, द गुड वन एफर्ट इज 1 ईयर. एंटायर 1 ईयर आप फोकस तैयारी करो, बीट योर पोस्ट ग्रेजुएशन, बीट आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन, बट यू विल रिक्वायर 1 गुड ईयर. इफ नॉट, एटलीस्ट 6 to 7 months गुड अटेम्प्ट, गुड डेडिकेटेड प्रिपरेशन आपको चाहिए. सो क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं कि कितना टाइम, कब शुरू करना है, सो इसीलिए लेट्स सी व्हाट इज टाइम टू प्रिपेयर. आई मीन आई वुड से सबका अलग स्ट्रैटेजी होती है, बट लास्ट 2 months, लास्ट 3 months में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव अ टाइम टेबल. सो ट्राई टू गेट अप, वेक अप एट अ फिक्स टाइम, 5:30 AM, 6:30 AM, देन हैव अ गुड रूटीन. सबसे पहले, फर्स्ट थिंग, ट्राई टू रिवाइज अ गुड डिफिकल्ट टॉपिक, ठीक है, फिर ब्रेक लो, देन सब्जेक्ट वन, देन ऑफकोर्स यू कैन हैव अ गुड 1 आवर का ब्रेक. Then you can again sit for your second session, properly subject to, practice test solve karo. Then again a 2-3 hour session, you can have a break, and then finally your second session where you can have a practice test. Always try to solve questions in afternoon time, like maybe 2 PM, 1 PM, because that is the time where you feel more sleepy, and probably if you have your first shift or second shift paper, you will be used to give a test in that time, right? So here, very important, every subject requires good number of hours, like you have reasoning, general knowledge, English, quantitative aptitude. You have your teaching aptitude, research aptitude, English comprehension, all these subjects. Teaching में at least दिन में 2 घंटे पढ़ो, research में 2 घंटे पढ़ो, English को आप 1.5 hours दो, और सबसे important है, revise करो. If you're not able to revise every day, try to fix 1 weekend, like हफ्ते भर पढ़ो, Saturday, Sunday को revision करो. So communication maybe 1 hour, one topic. ICT, environment will require more dedicated effort, right? Maybe 1 hour or 2 hour. So divide your time, and if you are weak in maths, तो ऐसे time पे maths करो जब आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है, lethargy हो रही है, maybe in the night time. Try to solve DI during the night time. So if you'll continue doing this timetable and practice thing the entire year, अगर आप 1 साल के लिए तैयारी करो और आपने ये पूरा अच्छे से कर लिया timetable, ट्रस्ट मी, दिस इज लाइक मोर स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, बिकॉज ये 2-3 महीने पहले की हम बात कर रहे हैं. इवन इफ इट्स अ लाइटर वर्जन ऑफ इट, बट मेक श्योर आप पेपर 1 और पेपर 2 को बराबर का टाइम दे रहे हो, राइट. सो ऐसा नहीं होना चाहिए यूर कॉम्प्रोमाइजिंग 1 पेपर एट द कॉस्ट ऑफ अदर. यू हैव टू गिव अटेंशन टू बोथ ऑफ द पेपर्स, बिकॉज अल्टीमेटली योर मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड डिपेंडिंग ऑन बोथ द पेपर्स, राइट. सो यू हैव ऑल दीज सब्जेक्ट्स, एंड देन यू आर द बेस्ट जज कि हमको तैयारी कब से शुरू करनी है. सो राइट टाइम टू प्रिपेयर, इफ यू स्टिल आस्क मी, इट इज नाउ.
It is now because if it's not now, it's never. And whatever attempt you're attempting, you're planning to attempt, be it June attempt, December attempt, aaj se tayari karo, kal se tayari karo, so that at least minimum you get good 6 months and 7 months, and the best will be more than, you know, the whole full year, because pattern samajhna, paper 2 ko bhi padhna, notes banana, because trust me, in any examination, the process of note making is very important. Agar aap notes nahi bana rahe hain khud ke, to aapka tayari utni strong nahi kehlayegi, aur last mein aap revision nahi kar payenge. Aur is pure process ko karne ke liye, you need good number of months, jo ki maine aapko mention kiya hai. So, that's why considering all these things, PYQs, notes making, revision at least 2 times, then mock test, you will require at least 1 year properly. So, aaj se tayari shuru kariye agar aapko aisa lag raha agla attempt dena hai. Nahi to ek trial attempt dena hai, maybe next 6 months mein, to bhi aaj se tayari shuru kariye. At least you'll get to know where you stand. Now, if there are certain gaps, you can anytime, you know, come back, go back and cover all these gaps. Right? So, I hope I kind of it helped you, it helped in your decision as in when to start preparing, how to prepare, and what are the stages in this entire preparation. So please do start your preparation now, and if you need any help, you can contact me and contact us, Byju's Exam Prep. We are there to help you always, right? So thank you so much, and this is Toshiba Shukla, your PeopleOne faculty at Byju's, and we are always here to make your preparation easy, systematic, and get you the JRF in your very first attempt. See you.